हेलो डियर, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट, और ये जो वीडियो है ये स्पेशली एसएससी सीजीएल टीयर टू इस एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए मैं बनाऊँगा। बाकी एसएससी सीजीएल टीयर वन, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उनके ऊपर ये बातें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सुन लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। लेकिन मैं अपने माइंड में स्पेशली एसएससी सीजीएल टीयर टू को लेकर आपको ये प्लानिंग बताऊंगा। होता क्या है कि स्टूडेंट सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं अच्छे से, उनको सारे कंसेप्ट्स के बारे में पता होता है, उसके बाद ठीक ठाक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट के अंदर उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ रहे होते। 130 से ज़्यादा नहीं जा रहे, 140 से ज़्यादा नहीं जा रहे, कोई 160 पर अटक जाता है, कोई 165 पर अटक जाता है, मतलब कुल मिलाकर कभी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं स्टूडेंट। तो उनको समझ में नहीं आता कि भाई अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को मैं पिन पॉइंट करूँगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगा, तो क्लियर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं कुछ बातें अज्यूम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने क्या बोला है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी, ठीक ठाक प्रैक्टिस करने के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो ऑफ कोर्स मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ना कि आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको तीन सीढ़ियाँ बता देता हूँ कि कौन सी तीन चीज़ें ज़रूरी हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखो सबसे पहले नंबर पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉलेज। और सिर्फ नॉलेज नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज कि आपने स्ट्रक्चर्ड वे में अपने सिलेबस को कवर कर लिया है। एसएससी सीजीएल टीयर टू के मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और बाकी आप इंग्लिश के ऊपर भी ये लगा सकते हो इससे चीज़ें सीख के कि स्ट्रक्चर्ड, एक अच्छे स्ट्रक्चर में आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और आपके पास उसके नोट्स हैं। अगर आपने 100% भी नहीं किया, 95% भी अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपके पास उसके नोट्स हैं, अगर आप श्योर हो कि 95% मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को ये भी डर लगा रहता है कि क्या पता एक आधा कंसेप्ट रह तो नहीं गया है, कुछ इससे बाहर तो नहीं है, इसलिए मैंने 95% बोल दिया, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। देखो तो सबसे पहली स्टेप होती है कि नॉलेज ले लेना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगली स्टेप होती है कि भाई प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ पर करते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पर। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज ए मॉक टेस्ट कर सकते हो या डायरेक्टली उठा के कर सकते हो, किसी बुक के थ्रू आप कर सकते हो। देन तीसरा स्टेप होता है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। तो देखो जो नंबर वन स्टेप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है नॉलेज लेना, इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं तो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक तो मेरी फ्री वीडियोज पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर मेरी एंड्रॉयड ऐप के अंदर, दूसरा एक जो एसएससी सीजीएल के लिए पेड कोर्स मैं चलाता हूँ मैथ्स के लिए वो। तो मैं सिर्फ ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब इस वीडियो के अंदर ये दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर दो और तीन पर। इसके अंदर मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपकी प्रैक्टिस भी करवा देंगी, मैं आपको काफ़ी स्टेप बताऊंगा कि सबसे पहले ये करना, दूसरे पर ये करना, और आपकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो भी बनवा देंगी। कभी कभी होता क्या है, स्टूडेंट ने अच्छी नॉलेज ले ली, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, अब वो क्वेश्चंस को कर सकता है, लेकिन उसकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि बिना वजह कुछ क्वेश्चंस में फंस जाता है। कभी कभी, मतलब कई सारे फैक्टर होते हैं आप मार्क्स स्कोर करते हो जब, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को इतने जल्दी पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें तुम फंसोगे कि नहीं फंसोगे, उस फैक्टर के कारण भी मार्क खा जाते हैं। तो हर एक चीज़ का इलाज होएगा इसके अंदर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स की ज़रूरत होगी, वो मैं साथ की साथ आपको बताता चलूँगा। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ, या फिर चलो रब नहीं करते, इनके नीचे ही लिख लेते हैं, ये चीज़ें भी आपको दिखती रहनी चाहिए। हाँ तो देखो सबसे पहले हमें चाहिएगे लेटेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर वन के मॉक टेस्ट, यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल, मैं बात कर रहा हूँ टीयर टू की, लेकिन टीयर वन के मॉक टेस्ट भी आपको चाहिए। क्यों चाहिए देखते जाओ, एसएससी सीजीएल टीयर वन के मॉक टेस्ट फिलहाल 2019 के हो गए, तो 2019 के अंदर यहां पर 18 पेपर हुए हैं। ठीक है, मतलब जिस भी साल आप टीयर टू की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेटेस्ट आपको टीयर वन के जो मॉक टेस्ट मिले हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको 10 मॉक्स देने हैं,
10 मॉक टेस्ट देने हैं विदाउट पुटिंग ऑन टाइमर। टाइमर नहीं लगाना है, टाइमर जो है वो आपके माइंड के अंदर, ये बातें मैंने पहले भी वीडियो में इनमें से एक आधी बताई हैं, अगर आपने सुनी है फिर भी इस वीडियो को देखते रहिएगा, इसमें काफी नई चीजें आपको पता चलेंगी। 10 मॉक टेस्ट आपने देने हैं, आपने टाइमर पुट नहीं करना है। ये मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं? SSC CGL Tier 1 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ 2019 का, वहां से सिर्फ क्वांट के उठा के देने हैं, क्योंकि हम क्वांट की बात कर रहे हैं। और टाइमर नहीं लगाना है, आपने सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करना है, लेकिन बिना वजह ज्यादा टाइम भी नहीं ले लेना है कि बिना वजह बैठे हैं टाइमर तो लगाए नहीं, साथ साथ में खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये 25-30-35 मिनट में हो जाएगा, टाइमर नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, साथ साथ में क्वेश्चंस के लेवल को मार्क करना है, लेवल को मार्क करना है। कैसे? कि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जब पूरे मॉक टेस्ट को कर लो ना उसके बाद जाना, सिर्फ डिफिकल्ट और मॉडरेट क्वेश्चंस को मार्क करना, कि इस सेट के अंदर 2 डिफिकल्ट 1 मॉडरेट ऐसे क्वेश्चंस मिले। मतलब कि कुल मिलाकर मैं आपको वो क्वेश्चन ढूंढने की कह रहा हूं जो आपका कॉन्फिडेंस गिराते हैं, जो आपसे होते नहीं या फिर आपका टाइम ले लेते हैं। तो आपको इतना तो अंदाजा हो कि हर एक पेपर के अंदर इतने डिफिकल्ट और इतने मॉडरेट हैं, आपको उस चीज का अंदाजा होना चाहिए ना कि एग्जाम हॉल में जाकर आप किस चीज से भिड़ने वाले हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इसीलिए मैं क्वेश्चंस के लेवल को मार्क करने के लिए कह रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज वाला पोर्शन है उसमें कमी है, आपने चीजें अच्छे से सीखी नहीं है। अगर ठीक ठाक मिल रहे हैं, 2 डिफिकल्ट 2 मॉडरेट 3 डिफिकल्ट 1 मॉडरेट, मतलब कि आपने ठीक ठाक तैयारी की है, ये जल्द ही ये डिफिकल्ट और मॉडरेट इजी में बदल जाएंगे जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आगे, इन सबको फॉलो करोगे तो। तो 10 मॉक टेस्ट हो गए विदाउट टाइमर, इससे आपको क्वेश्चंस की औकात का अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 10 मॉक टेस्ट देने जरूरी नहीं है, अगर आप पिछले साल वाले SSC CGL Tier 1 के उठा लोगे तो 10 की जगह चाहे 20 दे दो, वो तो आपकी श्रद्धा है। जो भी मैं आपको नंबर्स बताऊंगा ये मैं मिनिमम बताऊंगा, इनसे ज्यादा अगर आप करने चाहो तो आपकी डेडिकेशन या आप कितने सिंसियर हो। देन पॉइंट नंबर 2, इसके बाद आपने क्या करना है, जो बचे हुए 8 मॉक टेस्ट बच गए ठीक है, इनको आपने सॉल्व नहीं करना, इनको आपने करना क्या है, जस्ट परखना है, जस्ट एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो आपके सामने क्वांट का पेपर है, आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको पढ़ना है अच्छे से, कि आपसे हो जाएगा कि नहीं, मतलब कि ये कैसे होएगा, उसको सोल्व नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी, बस देखना है कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी है तो डायग्राम बना के कि इस एंगल से ये पता चल जाएगा, फिर इससे ये पता चल जाएगा, हाँ चलो ये हो जाएगा, तो एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट आपने ये देखना है कि सोल्व हो जाएगा कि नहीं 8 मॉक टेस्ट को। इससे क्या होगा, 8 की जगह आप चाहे 18 कर लो, आपकी श्रद्धा है, और पिछले साल के भी उठा लो ठीक है। तो होएगा क्या, आपको 18 मॉक टेस्ट के लेवल का अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा ठीक है। 8 मॉक टेस्ट की जगह अगर आप ऐसे करके भाई 15-20 बहुत ज्यादा मॉक भी कर लोगे तो कम टाइम में काफी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा पेपर देने का। जब आप पेपर देते हो ना तो एक स्किल होती है क्वेश्चन को पहचानने की, कि क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ मेरे से हो जाएगा, नहीं यार ये थोड़ा टाइम लेगा, तो यहां पर वो स्किल बनेगी जहां पर आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो। इसीलिए ये मॉक टेस्ट ऐसे करने जरूरी हैं। मतलब ऐसे जो लोग नहीं करते उनका भी सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑप्टिमम चीज बता रहा हूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब सब्जी जिसके पास चाकू है वो भी काट सकता है, हाथ से भी बंदे तोड़ सकते हैं, तो चाकू एक ऑप्टिमम चीज हो गई ना। तो ये है मतलब कि मैं आपको ऑप्टिमम चीज बता रहा हूं कि ये बहुत कम टाइम में आपको सक्सेस दिला देगी। तो 2 स्टेप तो ये हो गए, क्लियर है। देन तीसरा स्टेप, अब देखो जो मेंस Tier 2 का जो पेपर है उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं, और अब तक जो हम मॉक टेस्ट कर रहे थे उनके अंदर कितने क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चन है। तो ये मत सोचना कि ये क्या बता रहा है, मेरे को पता है ये सारी चीजें, अब तक हम 25-25 वालों पर कर रहे थे क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे, हम पेपर को परख रहे थे, हम कम टाइम में काम करने की सोच रहे थे ठीक है। 100 क्वेश्चन के ऊपर ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे 100 के ऊपर भी आएंगे। इसके बाद आपने करना क्या है, अब दूसरी जो आपको चीज चाहिए वो आपको चाहिए SSC CPO के जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके पेपर्स, SSC CPO के लेटेस्ट एग्जाम के पेपर्स मैथ्स के ठीक है। Tier 1 की मैं बात कर रहा हूँ जिनके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आपने करना क्या है, SSC CPO के मॉक टेस्ट देने हैं,
एसएससी सीपीओ के पेपर्स 50 क्वेश्चन वाले, सिर्फ मैथ्स के एज ए मॉक टेस्ट देना है, और ये फुल फ्लैज मॉक टेस्ट की तरह देना है। इन फुल फ्लैज मतलब कि सीरियसली टाइमर रख के, आप ये भी कर सकते हो कि इनमें से 5-7 मॉक टेस्ट बिना टाइमर रख के, ऊपर जो मैंने 2 तरीके बनाए हैं इनमें से किसी भी एक तरीके से दे सकते हो अगर आपका दिल करे तो, है। अदरवाइज इनको, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस यहां पर कर ली है, इनको फुल फ्लैज टाइमर रख के ये मॉक टेस्ट आपने देने हैं जितने भी ये हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं, आपने ये जो सीपीओ वाले हैं ये आप 10 दे सकते हो, 15, 20, कितने भी दे लो यार, आपकी श्रद्धा पर है। देखो है, मैं मिनिमम नंबर्स बता रहा हूँ। इसके बाद आपने 2018 जो भी लास्ट 3 साल के टीयर टू पेपर हुए हैं, 2017, 2016, इनके टीयर टू पेपर्स एज ए मॉक टेस्ट देने हैं जिनके अंदर 100-100 क्वेश्चन है मैथ्स के, ये क्लियर है। तो जब आप इनको एज ए मॉक टेस्ट दोगे, ये मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, अगर आप ये सारे स्टेप्स मानोगे, और एक और बात ये मैं यहां पर जरूरी आपको बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ये जो 10 और 8 है ना, ये जो 10 और 8 है, अगर आप इसके नंबर को बढ़ा लोगे, पिछले साल के अगर टीयर 1 के पेपर भी उठा लोगे, तो बहुत फायदा होएगा। ये स्टेप्स कोई भी टीचर नहीं बताता, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं लोगों के ऊपर, ये मैंने अप्लाई करके देखे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आया है हमेशा, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप फुल फ्लैश टाइमर लगा के जो मॉक टेस्ट दोगे, इस वक्त आप किस चीज का ध्यान रखोगे वो मैं आपको बता देता हूं, उसको बोलते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। अब आप सीरियस होके मॉक दे रहे हो तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, तो देखो आपने पेपर को मिनिमम 3 राउंड्स में करना है, मिनिमम 3 राउंड्स के अंदर करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये सारी चीजें मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपने करना क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये टेबल बनाया ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके मैथ्स के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे 100 यहां तक है, मैंने डिब्बे बना लिए, मान लो 100 क्वेश्चन है ऐसे, तो राउंड 1 के अंदर सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है। अब जो आपका टाइम कम ले, जो आपको सीधे सीधे आते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका टाइम लेगा या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपने छोड़ना है, तो इन और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2-3 सेकंड में परख लेना है। तो वो परख कहाँ से आएगी, ये मैंने आपको बताया ना, स्टेप नंबर 2 का क्या मतलब है, क्वेश्चन को पहचानने की ताकत आएगी, यहां से क्वेश्चन को पहचानने की स्किल आएगी। तो राउंड 1 के अंदर जैसे कि मैंने यहां पर येलो वाले मार्क किए हैं, आप कई क्वेश्चंस करते चले जाओगे जो इजी होंगे, कुल मिलाकर आप उनको करते चले जाओगे, लेकिन बीच बीच में, ये मैं गारंटी लेता हूं, कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे जो आपसे नहीं होंगे, मतलब वो राउंड 1 में करने ही नहीं है, कोई भी नहीं करता राउंड 1 में, कोई भी नहीं करता। तो ये मत सोचना यार मेरे से तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, यार ये नहीं हुआ, हो सकता है 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपसे ना हो सकता है 6 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपसे लगातार ना हो, अरे यार आज मेरे से तो क्वेश्चन नहीं निकल रहे, ऐसे नहीं सोचना, ये मानो सबके साथ ऐसा ही होता है, हर एक टॉपर की ये स्ट्रेटेजी है। तो राउंड 1 में सिर्फ इजी क्वेश्चन कर लिए, तो कुल मिलाकर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हो और इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हो, आपको काफी कम टाइम लगेगा इस काम में, क्यों, क्योंकि सिर्फ इजी कर रहे हो, लगभग आधा टाइम आपको लगेगा। देन राउंड 2 के अंदर आपने क्या करना है, अब आप जब क्वेश्चन की शक्ल को देखोगे तो आपको आधा तो अंदाजा वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, सबकॉन्शियस ब्रेन नामक एक चीज होती है जो प्रोसेस करती रहती है बैकग्राउंड में चीजों को। तो राउंड 2 के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे हो जाएंगे, अब भले ही वो थोड़ा सा टाइम ले लें, क्योंकि टाइम ना लेने वाले तो हमने कर लिए। तो राउंड 2 के अंदर जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमसे सोल्व हो जाएंगे, हमने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर माथा नहीं मारना जो सोल्व नहीं होगा, कि इसको मैं क्रैक करता हूं, इसके ऊपर 2-3 मिनट लगाना हूं लगाता हूं। राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर अगर ऐसी गलती करोगे, तो ये जो स्टेप नंबर 3 है जिसको बोलते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, यहां पर आप गलती कर रहे हो, और आपको कोई नहीं बचा सकता फेल होने से, मैं आपको बता रहा हूं, कितने ही बड़े फन्ने खा हूं, देखो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, बिकॉज आप इस बात को सीरियसली लें ये चाहता हूं, इसलिए ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। देन अब आता है राउंड 3, तो राउंड 3 के अंदर आपने वो क्वेश्चन करने हैं जिनके ऊपर आपने दिमाग लगाना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपने पढ़ा, आपको पता नहीं कि ये कैसे होएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो वो हो जाएंगे। तो इस राउंड में भी काफी क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी,
जो राउंड टू में कई क्वेश्चन हम फिर भी छोड़ देते हैं, कि इस राउंड में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, स्टार्टिंग में बंदा थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर जाता है या उतना खास उसके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करे कि ये कैसे सोल्व होगा, तो बाद में यहाँ पर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दी सोल्व हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा, तो इस राउंड में भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनिमेट करके कि ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। उसके बाद अब आती है बात, अगर आपने सारा सिलेबस कर लिया है अच्छे से, जितना भी रिलेवेंट सिलेबस है, अब आती अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद अब कई क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन बंदा 3 क्वेश्चन छोड़ेगा, कौन 2, कौन 4, कोई 5, कौन 1 भी नहीं छोड़ेगा। अब यहां पर अगर आपने 3 राउंड सिंसियरली लिए हैं तो आपके टाइम आपके पास थोड़ा टाइम बच भी सकता है, नहीं भी, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिफिकल्टी के ऊपर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये या तो आप कर लोगे भाई, अगर देखो आपके मान लो 2 बंदों को सेम नॉलेज है, उसके बाद भी कौन उस नॉलेज को कैसा यूज करता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाली ये आपके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि उस नॉलेज को आप नई अगर फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो कितना दिमाग है बंदे के अंदर। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं जो इन चीजों पर डिपेंड करते हैं इनके ऊपर 4 4 मिनट लगा देते हैं, कब राउंड वन के अंदर, उसको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वाली गलती मत करना, इन क्वेश्चंस के ऊपर सबसे एंड में दिमाग लगाना है। यहां पर सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये नहीं बोला कि 5 क्वेश्चन बचेंगे, ये मत सोचना, सिर्फ एग्जाम्पल लिया आपको दिखाने के लिए। हो सकता है 1 भी क्वेश्चन ना बचे, 100 के 100 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले टीयर टू में जो सारे हो रहे हो 3 राउंड के अंदर, मिलते भी हैं। ठीक है, हो सकता है 3 क्वेश्चन ऐसे भी मिले जो ना भी हो रहे हो, थोड़े से नए वे में पूछ लिए गए हों, तो इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको दिखेगी इम्प्रूवमेंट। अगले 3 हफ्ते ये काम कर लो, आपको दिखेगी इम्प्रूवमेंट अपनी तैयारी के अंदर, मॉक्स के अंदर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद दिखेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था। और एक और बात सुनकर जाओ कि जो SSC CGL Tier 1 के जो पेपर्स हैं, ये देखो जो CPO के पेपर हैं वो तो अभी मैंने डाले नहीं है, अदरवाइज जो SSC CGL Tier 1 के जो पेपर्स हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए हैं। ईवन कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पर आपको बाकी और भी एग्जाम्स के मिल जाएंगे जितने ही मैंने डाले हैं, और जितनी भी मैं वीडियोज बनाता हूँ उनकी PDF वहां पर शेयर करता हूँ। और एक और बात, अगर आप मेरे से टीचिंग में कोई भी हेल्प चाहते हैं तो ईवन कोचिंग सेंटर की जो एंड्रॉयड ऐप है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कर लो, वहां पर मेरे पेड कोर्सेज भी हैं एंड वहां पर मेरे फ्री कोर्सेज की वीडियोज हैं, वो भी अरेंज्ड हैं। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं, आपके किसी दोस्त के बेसिक्स वीक हैं, अगर आपको चीज़ों को समझना है कि भाई एक्चुअल में मैथ्स होता क्या है, तो यहाँ पर मेरे फ्री कोर्सेज जो पड़े हैं और यहाँ पर जो पेड कोर्सेज हैं इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर नए पर्सन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली यूज़ में लाइएगा अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं। तो भाई फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।